जब जुन्नू के साथ मैंने पहले भी काम किया है एंड तब तक मुझे मालूम नहीं था इनका नाम जुन्नू है. सर सर प्यार से इसको वैसे प्यार से जूनो बुलाते हैं और सर जुन्नू बुलाते हैं. जुन्नू सर जान मुझ के करते हैं बहुत पर्पसली हमेशा. और तुम्हें मैं पति बुला रहा हूँ आजकल. अरे सर याद है ना तुम्हें. हाँ सर याद है सर. कुछ और पूछ रहे सर. नहीं एक्चुअली जब कोई भी फिल्म की हम स्क्रिप्ट सुनते हैं तो मोस्टली स्क्रिप्ट की एसेंस का स्टोरी लाइन वगैरह सब बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. एंड जुन्नू ने जिस तरीके से जब मुझे पहली बार बोला पति पत्नी और वो का रीमेक बनाना है तो वहीं पे एक एक्साइटमेंट आ गई थी कि इस टाइप की फिल्म बहुत टाइम से आई नहीं है तो ये बहुत अच्छी वर्क करेगी. सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम एंड ही हैज़ वर्क वेरी वेरी हार्ड ऑन दैट. रात को बहुत फोन करके मुझे परेशान किया है. नहीं गानों बनाने के लिए गानों में बहुत तंग करता हूँ भूषण जी को. हर गाना चाहिए मुझे. इनकी 10 पिछले चल रही है कोई मेरे को फीडबैक के लिए बोलता है मेरे को वो भी चाहिए. अरे स्ट्रीट डांसर के गाने आपको चाहिए थे एक्चुअली. ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है, हम सबको बहुत पसंद आया और वो आपका एक अंदाज जो रहता है जो लुभाता है बहुत अच्छा लगा. क्या कार्तिक आपका क्या रिएक्शन था जब आपको इस तरह की फिल्म ऑफर करी गई? व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या किरदार, क्योंकि मैं मुद्दसर की अगर बात करूं बहुत कामयाब फिल्में दी हैं, हैप्पी भाग जाएगी फिर हैप्पी भाग जाएगी जी सर. अब मुझे लगता है इसका भी शायद सिक्वल बना दें. द ट्रेलर इज लुक सो इम्प्रेसिव. तो व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ की हाउ यू केम ऑन बोर्ड? सर मैं तो झपट के मतलब मैं स्क्रिप्ट जब जिस दिन मैंने सुनी और मैं उसी टाइम ये था कि पति पत्नी और वो का जब मेरे को सुनने में आया था कि ये फिल्म ऐसी बन रही है तभी डिसाइड हो गया था दिमाग में कि ये फिल्म 100% करनी है. एंड ऑफ कोर्स मतलब जैसे मुदस्सर सर हैं ये इन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म में मेहनत की है और जिस तरीके से ये फिल्म बनाई है आप देख रहे हैं ट्रेलर में वो कितना मतलब आपको एक एक जोक पे हंसी आ रही है. एंड वी वर गैदरिंग योर रिएक्शंस आल्सो. तो सब बहुत सिचुएशनल एक कॉमेडी है एंड एक हमेशा से जो भी मैंने भी जो फिल्में जो आप बोल रहे थे उससे पहले की हैं वो हमेशा सिचुएशन पे खेली हुई फिल्म होती हैं एंड विच रिलेट्स मतलब वो सब रिलेटेबिलिटी फैक्टर एक रहता है. तो कहीं ना कहीं मतलब एक ये पति पत्नी और वो का टॉपिक भी बहुत रिलेटेबिलिटी है उसमें. एंड तो जिस टाइम मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी और इसका आइडिया ही जब मेरे को पता लगा सो आई जस्ट जंप्ड ऑन एंड आई जस्ट यू नो ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी. आपकी लाइफ में वो कौन है? भूमि से पूछ रहे हो? आपसे पूछ रहा हूं कार्तिक. सर मेरी लाइफ में वो कौन है? पहले पत्नी कौन है सर? पत्नी तो आपकी किस्मत तो बाद में आएगी. वो कौन है? जब वो पहले आएगी. वो पहले आएगा ना सर? बहुत सारी हैं. बहुत सारी है ना तुम्हारी? भूषण सर कह रहे हैं बहुत सारी है. सर भूषण जी सर क्यों माइक लगा? सर नहीं मेरी लाइफ में कोई वो नहीं है सर. चिंटू त्यागी की लाइफ में वो है अनन्या एंड पत्नी है भूमि और मेरी रियल लाइफ में कोई वो नहीं है सर. भूमि और पत्नी भी नहीं है सर. हो जाएगी यार. अनन्या और भूमि आप दोनों से जानना चाहूंगा. दोनों बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं. भूमि आपको भी कहना चाहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अनन्या यू लुकिंग हॉट सुपर हॉट इन द ट्रेलर. यू नो आप भी हॉटनेस कहीं पे भी कम नहीं है बीवी वो पत्नी होने के बावजूद. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे? और ये जो कास्टिंग है वो लगता है कि कमाल की कास्टिंग है. अनन्या भूमि क्या कहना चाहेंगे आप और किरदारों के बारे में किरदार को लेके क्या ब्रीफ था? मेरी भी कास्टिंग अच्छी बोल दो ना सर. यकीनन यार आप तो हैं ही. कार्तिक को ही जरूरत है आपको कहने की. साथ आके फिल्म पे चार चांद लगा दिए है ना. हाँ नन्या आई थिंक जब पहली बार मैंने मुझे पता चला कि जूनो जब मेरे पास पति पत्नी और वो लाया था बहुत ही मज़ेदार स्क्रिप्ट थी. आई थिंक जो पुरानी फिल्म है वो ऑलरेडी एक कल्ट क्लासिक है और उसके ऊपर एक मॉडर्न टेक है उस फिल्म पे. और जब मुझे पता चला अनन्या कार्तिक है फिल्म में आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक बहुत ही फ्रेश कास्टिंग है. बहुत ही डिफरेंट है. इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बहुत बहुत बढ़िया हैं. एंड आई थिंक हम तीनों की केमिस्ट्री इन आवर ओन वे इज़ वेरी क्रैकिंग. मुदस्सर सर हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि अब तक मैं बड़े पर्दे पे ऐसी दिखी नहीं हूँ तो मेरे लिए बहुत ही आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने कहा ओके न्यू अवतार. और मैंने बहुत सी फर्स्ट चीज़ें की है इस फिल्म में. थोड़ी बहुत झलकी आपने देखी. जैसा ये साल रहा है मेरा उसके लिए आई थिंक जो कल्मिनेशन है पति पत्नी और वो जो वेदिका त्रिपाठी का किरदार है
इट्स द बेस्ट वे आई कुड हैव एंडेड माय ईयर. एंड बहुत ही फन फिल्ड फिल्म है, बहुत ही सेंसिबल फिल्म है एट द सेम टाइम, बहुत ही एम्पावरिंग फिल्म है टू बोथ द जेंडर्स. और आप बस हंसते खेलते इसको एक्सपीरियंस करते हैं, फैंटास्टिक गाने हैं एंड वी हैव जस्ट हैड अ ब्लास्ट. भूषण जी, हाय, दिस इज सोहेल. भूषण जी, पति पत्नी और वो एन आइकॉनिक फिल्म एक्चुअली, और गाना भी था ठंडे ठंडे पानी से, तो ये गाना रहेगा या फिर अगर नहीं रखा है तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? मतलब क्या इस गाने के बारे में बताएंगे आपको? नहीं रखा है, इट्स नॉट इन द फिल्म, इट्स एन एडेप्टेशन, पर ये गुनगुनाता रहता है. बट लाइक आई सेड द फिल्म इज एक्चुअली एन एडेप्टेशन एंड इट्स जस्ट आवर वॉइस आवर दिस थिंग, सो इट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट एंड वी होप फिर आगे से बताइए कैसे लगी. माई क्वेश्चन कार्तिक ऑल्सो. कार्तिक, आपने पहली फिल्म देखी थी जो संजीव कुमार जी की थी, या फिर कभी जहन में आप शायद अगर देखी हो तो, या नहीं देखी थी तो ये फिल्म के बाद आपने सोचा था कि यू विल बी वाचिंग दैट फिल्म? सर, मैंने बहुत पहले देखी थी वो फिल्म. एंड अगेन, मतलब माय मॉम डैड दे हैव बीन अ फैन ऑफ, यू नो, पति पत्नी और वो, और वो पूरी एक जनरेशन वो इस कल्ट क्लासिक फिल्म के एक फैन रहे हैं. मैंने जब ये फिल्म ऑफर हुई थी तब उसके बाद ये एक डिसीजन लिया था कि मैं नहीं देखता हूँ ये फिल्म, बिकॉज इरिस्पेक्टिव वो, मतलब मैं अपने एक तरीके से काम करना चाहता था इस फिल्म में, और एक नयापन अगर इस फिल्म में ला रहे थे और एक मॉडर्न टेक जिस फिल्म में लेकर आ रहे थे, तो उसमें अगर मैं वो चीज़ देखता तो वो गलती से भी मेरे सबकॉन्शियस लेवल से भी वो चीज़ ना हो, तो वो चीज़ ट्राई की है इसमें. तो आई डेंट वॉच इट अगेन, बट मैंने बहुत पहले, शायद से सालों पहले फिल्म देखी थी शायद टीवी पे. That's about it. But it's a big, big opportunity. मतलब संजीव साहब वो legendary रहे हमेशा से. And this whole film, पति पत्नी और वो, इसका title ही इतना strong title है कि automatically आपको पूरी film भी कहीं ना कहीं दिखती है. Same thing for Bhumi also. Like I think Vidya Sinha ji was there. And वो I don't remember. वो कौन था? हाँ, रंजीता जी. हाँ. If you same question I'm asking you all. Yeah, again I'd seen it like years ago. Lekin jab mere paas Juno film laya tab maine socha maybe I should watch it, but then maine nahi dekhi because jaise Kartik ne kaha ki ek a new age take hai on the old film, jo ye type ki relationship hoti hai uska ek modern version hai. So I didn't really feel the necessity to go watch it. You know, but it's a cult classic and they are fantastic actors. And I really hope jitna maza tab logon ko pati patni aur wo dekhkar aaya tha, ab aur bhi zyada maza hai kyunki humne to bahut maze kiye film mein. Acha, Mudassar ji se ek sawal hai is side. Ji, ha, maine sir, हाँ, सवाल खत्म हो जाए. मैंने एक्चुअली पिक्चर साइन करने के बाद देखी थी क्योंकि मुझे हिंदी पिक्चरें देखने में बहुत मज़ा आता है और मुझे वो गाना आदम और हवा दोनों वो बहुत पसंद है. तो हाँ, ग्लैमरस, आई थिंक हमारे फिल्म में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर है. और हाँ, मुझे बहुत फ़नी लगी, पर आई थिंक हमारी फिल्म मॉडर्न वर्जन है, आज और ज़्यादा रिलेट करेंगे लोग. हाँ, तो पर मुझे ओरिजिनल भी बहुत पसंद थी. हेलो भूषण. अच्छा मुदस्सर जी, मैं सवाल ये था कि पुरानी फिल्म तो सभी ने देखी, क्लासिक फिल्म. जी जी. जब इसका रिमेक बन रहा है तो डेफिनेटली कुछ चेंजिंग तो आपने किए होंगे, तो या फ्रेम टू फ्रेम है? जी, मैं इत्तेफाक से, इन्होंने वो सवाल मेरी तरफ डायरेक्ट नहीं किया, वरना उसके जवाब में मैं ये कहता कि मैंने वो फिल्म 100 मरतबा देखी है कम से कम. तो उसका दरअसल रीज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग ये था कि जब बी आर साहब वो फिल्म बना रहे थे 1978 में, he was making a very bold film for 1978. हम सब ये बात जानते हैं कि फिर दौरे जमा बदला है, दशक पे दशक लोगों के सोचने के तरीके बदले हैं. तो वो बोल्ड फिल्म जो सन 78 के लिए बोल्ड मानी जाती थी, वो शायद 2019 में हमको उसको विद अ सर्टन पास्ट इन माइंड देखना पड़ता. तो 2019 के लिए अगर आपको एक बोल्ड फिल्म बनानी थी, और 2019 में अगर आपको पति पत्नी और वो के रिश्ते को अगर एक सॉर्ट ऑफ कल्मिनेशन और एक कम्प्लीशन देना था टू व्यू फ्रॉम द आउटसाइड, तो जाहिर था कि उसको एक नए सिरे से लिखना पड़ता.
तो ये कोशिश मेरी रही है कि मैं उस एसेंस को जो जो बी आर साहब ने उस फिल्म में कहने की कोशिश की थी उस एसेंस को बरकरार रखूं, लेकिन आज के दौर के हिसाब से उसमें कुछ एक ऐसी बातें कहूं जो आज रेलेवेंट हैं और रेलेवेंट हो गई हैं हम सब के बीच. माय क्वेश्चन इज फॉर जूनो. हेलो भूषण सर. जूनो हियर ऑन योर राइट. ऑन योर राइट जूनो राइट. वो जूनो ये फिल्म की कास्टिंग को लेके भी काफी बैक एंड फोर्थ हुआ था, यू नो लॉट ऑफ न्यूज एंड हैपेंड. कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट हाउ द कास्ट फाइनली केम अराउंड एंड तापसी वाज आल्सो सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म इनिशियली बट शी हैड वॉक्ड आउट और समथिंग. सो कैन यू गिव अस सम. ये सवाल आई थिंक आपने ही पूछा था ना सांड की आग के टर्मिनोलॉजी. नहीं नहीं, आई एम आस्किंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, मैंने कहा दिस इज कांस्टेंटली आस्क्ड. Always when I saw the film, I saw Karthik, Bhumi and Ananya, and I promise you this, they don't know that I took very long to convince them, and they know that including Bhumi, including Ananya was actually the easiest one. Yeah, he was easily convinced. But, and for me, when I heard the script and when we worked on the script, these are the only people I saw, and they were always my first choice, and I'm just very, very happy, and I've just enjoyed working with them. The three of them have been just, I mean, exhilarating. It's been such a fun Wonderful. Ride. And yeah, see, everyone's laughing because they give me a lot of stress also. You think he looks like a stressful producer? Please say, does he? बाल भी खड़े होने लग गए. हेलो हाय, दिस इज आकाश भटनागर. भूषण सर, आई वांटेड टू आस्क यू, यू आर वर्किंग विद कार्तिक इन पति पत्नी वो, देन इन भूल भुलैया 2. सो हाउ इज इट वर्किंग विद कार्तिक दैट यू हैव कास्ट हिम अगेन इन वन ऑफ योर मूवी. सोनू के टिटू की स्वीटी भी. सोनू के सीटी सर इतना क्यों काम कर रहे हो सर मेरे साथ? तुम चल रहे हो ना आजकल इसलिए कर रहे हो. छक्का मार दिया सर आउट ऑफ बाग. नहीं, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड जिस तरीके की इस पिक्चर में किरदार चाहिए था एंड आई थिंक कार्तिक उस पति के किरदार में बहुत अच्छा सूट किया है, इसलिए भी कीप ऑन. एंड भूल भुलैया इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं. I wanted to ask a question from Bhumi. In 3 months, you are showing us 3 different sides of yourself. People accepted you so much for Sand Ki Aag. Now you are doing a different role in Bala, and then Pati Patni Wo is extremely different. So how do you manage to do this? How is difficult is it to get into the skin of each character every time? It is difficult because the earlier 2 films are extremely different. It's just difficult every time, even for Pati Patni aur Wo, because as I said even earlier, I've not seen myself like this on the big screen. You know, in my head and in my real life, I'm always like this. But the audience has not seen me like this. So it was very exciting for me to play Vedika because I was like, okay, a new avatar. And a lot of work goes into it and it's not my work alone. There's an entire team that works behind creating a character. Where Vedika specifically is concerned, I remember having like long conversations with Juno, Mudassar sir, all of us actually. We would sit and we would talk about what every character's attributes are, you know, what is she. So for me, she is somebody who's always full of oomph, you know. She knows who she is. She's a very confident girl. She knows she has a certain effect on the opposite gender and she's just strong, you know. Ananya, just yes. One question. Your first film was also a love triangle. Here also it's a love triangle. So what is that connect with you? I just think I attract love triangles. Everywhere I go, there's a love triangle. So I don't know, yeah, what to do. Mera sawal Kartik se hai. Kartik, tumhara chehra bahut masoomiyat bhara hai. Lekin role tumko sare naughty wale milte hai. Naughty boy ye. To... इस मासूमियत के साथ ये जो नॉटीनेस है उसको कैसे ब्लेंड करते हो? मतलब मैम वो रोल में को नॉटी मिलता है, शक्ल मासूम है, तो वो ब्लेंड अपने आप हो जाता है. तो वो कुछ मैम अंदर से नॉटी है ना, लेकिन तो आसानी से कर लेते हैं. बोलना नहीं चाह रहा था. वो बाहर हाँ मुदस्सर सर लेकर आए हैं स्क्रीन पे सर. बट मैम बट मतलब वो एक्चुअली में अगर वो किरदार कुछ कर रहा है तो वो आप जैसे फिल्म भी जब देखेंगे तो हमेशा वो कुछ सही ही कर रहा होता है. वो गलत मतलब ऐसा नज़र ऐसा आता है कि वो गलत कर रहा है,
चाहे इससे पहले की भी फिल्में मैं बात करूं, चाहे लुका छुपी हो, चाहे सोनू के टीटू की स्वीटी हो, वो अपना इंटेंशन, उसका करेक्ट इंटेंशन हमेशा से रहा है उस कैरेक्टर का. अब वो थोड़ी सी नॉटीनेस हमें हमेशा पसंद आती है जो ट्रैक पे वो जानते हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, तो वो एक चीज़ है जो हमेशा कई बार आपके किरदारों में होती है. एंड वो कभी कभी उसमें मज़ा भी आता है, फनी भी लगता है. तो पति पत्नी और वो में भी ऐसे ही है. मुदस्सर जी, ये सवाल किसी ने आपसे पूछा नहीं, इसके अलावा भी, पति पत्नी और वो के अलावा भी बीच में एक फिल्म आई थी रंग बिरंगी, जिसमें जो वाइफ का किरदार परवीन बॉबी ने निभाया था, वो काफी प्रोग्रेसिव था. जैसे आपकी आपकी जो पत्नी है उसने काफी बोल्ड जो ट्रेलर में कहा कि सेक्स पसंद है, तो वो भी काफी तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में आपकी जो आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने डिफरेंट. मतलब मैं आपको I don't have enough words to compliment you. आपने माशाल्लाह इतना अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए रंग बिरंगी, क्योंकि आपने देखी है तो आपको याद होगा उस फिल्म का लास्ट डायलॉग जो है वो है उत्पल दत्त घंटी बजा करके कहते हैं बी आर चोपड़ा को पकड़ के लाओ. दैट्स द लास्ट डायलॉग ऑफ द फिल्म. रंग बिरंगी वॉज ऋषिदास वे ऑफ कमेंटिंग ऑन द आइडिया ऑफ पति पत्नी और वो. सी दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल सब्जेक्ट मैम. ये अच्छा पति पत्नी और वो में वो का जेंडर भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ना इस बात की कोई जो है बंदिश होती है कि वो कोई शख्स हो. वो एक गैप हो सकता है, वो एक नॉन कम्युनिकेशन हो सकता है, कई सारी चीज़ें होती हैं. तो फिल्म मेकर्स को हमेशा ये टॉपिक जो है अट्रैक्ट करता आया है. तो जब जूनो मेरे पास आए थे, और जाहिर है कि मतलब उन्होंने भी इसके ऊपर खूब विचार किया होगा जब मेरे पास आए थे, जब उन्होंने अपने ही नेगेटिव्स में से इस फिल्म को चुना कि यार पति पत्नी और वो को रिक्रिएट करते हैं, लेट्स सी व्हाट योर टेक इज ऑन दिस. और आप यकीन कीजिए मैं रंग बिरंगी का उतना ही बड़ा फ़ैन हूँ जितना पति पत्नी और वो का हूँ. तो आप जब ये फिल्म देखिएगा तो आपको दोनों अंश जो हैं इसमें मिलते रहेंगे इस फिल्म में. आई हैव टेकन द कॉमिक पिंच ऑन द आइडिया ऑफ एडल्ट्री एज मच एज आई हैव यू नो ट्राइड टू इनवोक द इशू ऑफ एडल्ट्री. थैंक यू सो मच. कार्तिक, कार्तिक जी हाय. ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में. मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में जिस चीज की खलिश रह जाती है शायद इंसान उसको स्क्रीन पे पूरा करने की कोशिश करता है. तो मेरी अपनी नहीं चली तो मैं सोचता हूँ कि स्क्रीन पे किसी की तो शादी चल जाए. यार सर जिनके पास माइक है उनको सॉल्व. कार्तिक, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू यू एंड द टीम. बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेलर. इट्स अ बिग चैलेंज टू रिक्रिएट सच अ क्लासिक. मेरा सवाल आपसे है कि कहीं ना कहीं हमें वो ग्लिम्स दिखता है, जैसे एक मोनोलॉग जो आपका फेवरेट जो रहा है, मतलब आपके साथ ट्रेडमार्क, कहीं ना कहीं इसमें भी ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई मोनोलॉग वाला सीन है, जैसे वो अपार शक्ति वाला देखा था. इज इट ट्रू, कोई ऐसा मोनोलॉग वाला सीन है? पहली बात, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. वो तो आप जब पिक्चर देखेंगे तब आपको ज्यादा बता पाएंगे. बस कुछ ही दिनों में रिलीज भी हो जाएगी, अभी छोटा सा एक्टिविटी हमारा. बट ये हाँ, ये एक चीज हमेशा रही है कि चाहे वो पंचनामा में लास्ट मोनोलॉग किया था मैंने, पंचनामा 2 में, उसके बाद से मतलब जो भी फिल्म आई, सोनू के वक्त भी ये मेरे से बहुत पूछा गया था, क्योंकि हमारी सेम टीम थी पूरी. भूषण जी को चाहिए भी था मोनोलॉग शायद सोनू के. बट इट डिड नंबर्स एंड वी वर रियली हैप्पी. एंड सोनू के बाद इनफैक्ट लुक्का के जब हम लोग ट्रेलर लॉन्च पे आए थे तब भी मुझसे पूछा गया था कि ये मोनोलॉग होगा इसमें कि नहीं. तो वो मोनोलॉग का एक हमेशा रहा है कि किसी ना किसी फिल्म में आएगा. बट इट्स मोर टू डू रैदर देन मी, इट्स मोर टू डू विद द फ्रेंचाइज, विद द फिल्म एंड लव रंजन सर. तो वो उनका ज़्यादा वो है, लेकिन इस फिल्म में है कि नहीं वो आप एक अलग तरीके से भी शायद है कि नहीं वो आप देखेंगे जब फिल्म आएगी. भूमि, मेरा सवाल आपसे, पहली लास्ट क्वेश्चन, पहली बार कांग्रेचुलेशंस फॉर सांड की आग. थैंक यू. सो जिस तरीके से सांड की आग को एक्सेप्टेंस मिली है, इट वाज स्लो बट स्टेडिली इट ग्रू एंड यू नो इट वाज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? इसी बात पे अगर कार्तिक और अन्य आप भी कह सके, बिकॉज एट द एंड कॉन्टेंट इज द किंग एंड अगेन हेंस इट्स प्रूव अगेन. वेल फॉर स्टार्टर्स थैंक यू. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मेरी ऑडियंस को बहुत सारा प्यार. सांड की आग एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है, और जिस तरीके का ग्रोथ फिल्म ने डे बाय डे दिखा रही है, इट्स ओनली गेटिंग बेटर. आई थिंक बहुत ही एनकरेजिंग है, एंड फॉर मी एज एन एक्टर मुझे और मोटिवेट करता है कि हम, मैं और तापसी दोनों,
कि हम ऐसे चैलेंजिंग रोल्स एक्सेप्ट करें, ऐसी मुश्किल फिल्मों को एक्सेप्ट करें जो एक तरीके का स्टीरियोटाइप ब्रेक करती हैं. एंड आई एम जस्ट हैप्पी यार, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, इट जस्ट फील्स सो गुड, थैंक यू सो मच. जी जी, सवाल क्या था सिमरन? कंटेंट इज किंग. करेक्ट 100%. मतलब वो हमेशा से रहा है एंड वही चीज़, मतलब वो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर या फिर कंटेंट या फिर फिक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप पे वो कंटेंट नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं आती है. एंड इनफैक्ट वो कंटेंट में ही एक मज़ा आता है, विच इज़ इनफैक्ट विद पति पत्नी और वो, और बीट विद सांड की आग ऑल्सो. आई मीन मेरे को सांड की आग भी खूब अच्छी लगी थी एंड एंड वहीं पर वहाँ पर भी ये कॉन्टेंट की बात थी. तो विद आर फिल्म ऑल्सो पति पत्नी और वो इट्स समथिंग. वो ट्रेलर पसंद आया ना आपको? तो वो पसंद ही इसलिए आया क्योंकि कंटेंट उसमें पूरा झलक रहा है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा. एंड एक चीज़ और मैं मतलब ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ इस पूरी चीज़ में, ये कंटेंट क्रिएशन में जो पूरी टीम यहाँ पे बैठी है, मुदस्सर सर, जूनो एंड भूषण सर, मतलब दे हैव बीन रियली एट इट एंड दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब. ये ट्रेलर और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं इनकी वजह से. भूषण सर जिस तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं यंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उन पे बिलीव दिखा रहे हैं, आई मीन ये बहुत एक अच्छा एमलगेशन है, एक मिक्सचर है जिसमें वो उनको पूरी तरह से एक फ्रीडम दे देते हैं. तो वो एक बहुत कम लोगों में वो चीज़ होती है. एंड एक ऐसे इंसान है जिन पे इतना पैसा है और वो ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो मतलब सीरियसली हैट्स ऑफ टू हिम. एंड जूनो के लिए भी बोलना चाहूँगा कि इनको एक टैग इसमें क्रिएटिव प्रोड्यूसर का दिया गया है. और वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है काफ़ी लोगों के लिए कि ना वो प्रोड्यूसर हुए ना वो डायरेक्शन हुए. लेकिन आई मस्ट टेल दिस कि ये जूनो ने बहुत मेहनत की इस फिल्म में फ्रॉम डे वन. मतलब फ्रॉम कास्टिंग टू फ्रॉम एवरीथिंग टू बनने के प्रोसेस से लेकर अभी आपके सामने तक इनका पैशन जो है जुन्नू का वो ही यहाँ पे चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ जो आ रही हैं वो काफ़ी हद तक, मतलब एक बहुत कम लोगों में ऐसा कन्विक्शन और पैशन है जो जूनो में. सो अगेन मैं वो क्रेडिट देना चाहूँगा इनको. सर आप ताली बजा रहे हैं, आपकी भी तारीफ करना चाहिए क्योंकि ही इज़ बीन द यू नो कैप्टन ऑफ द शिप, जिन्होंने एक्चुअली ये चीज़ पति पत्नी और वो पूरी तरीके से इन्होंने बनाई है और हम सब एक्टर्स को एक साथ डायरेक्ट किया. इतना प्रोसेस में जो एक मज़ा आता है वो प्रोसेस में, मतलब अब अगर डायरेक्टर उस प्रोसेस में मज़ा लेके आपसे काम ना करवाए तो आपको भी वो एक फील आती है, एक जो वाइब है और जिस तरीके की फिल्म दिख रही है आपको, वो इट्स बिकॉज ऑफ हिम. एंड रियली वांट टू यू नो जस्ट हैट्स ऑफ टू यू. Thank you. All right, we'll take last question. Hi. Hello. ये monologue था Simran. Hi, this is Priyanka from Indian Express. My question is to Mudassar. Mudassar, you rightly said that how present gaze is so important while looking at a classic and you know while remaking it. So, did you have also, were you very conscious of it not being sexist, because this whole concept can become that. You know, and so for you that, and also for Bhumi, were you a little skeptical before signing the film, or did you have those concerns that the film should be extremely empowering and not sexist at all? Bhumi first, then me. I think, you know what, see, when I read the script, every doubt that I had was flushed out. As I said earlier, this is a film that is a lot of fun, you know, there are a lot of, it's a situational comedy, but at the same time, it's not frivolous. I said this earlier as well, it's very empowering to both the genders. There's nobody who's black or white in life as well. And I think the makers have really been very conscious to make sure that they do not turn this into a sexist, baseless film. This is not that at all. You know, I think any of us, everybody who's a part of the film, Bhushan sir, Juno, Mudassar sir, the three of us, I don't think we belong to that school. And I think we've been, especially the makers, they've been extremely conscious of the fact that it does not turn into a sexist comment. So the moment I read it, I was like, this is beautiful. And that's what excited me the most about this film, that this can go wrong so easily, but they've been so sensitive
and they've been so careful, and it's a very big achievement, like a really big achievement, and I must congratulate them. Well, you know, I'll sum it up for you in few words. It's very simple. I've always put women at the forefront of the films I've made. You know, this one is no different. You'll realize that he is the situation, and they drive the situation home. So it was very important, and I'm glad you asked this question. It was very important to look at Pati Patni or Wo the way it's come out now. You know, so thank you very much for asking that question. Thank you so much, ladies and gentlemen. एक चीज और बोलना चाहूँगा इस फिल्म में हम लोग के अलावा मतलब एक बहुत बड़ी कास्ट है जो आप ट्रेलर में भी देख रहे हैं जिस तरीके से सब लोगों ने इसमें परफॉर्म किया है मतलब मेरी दोस्ती आपको अपार के साथ आपने देखी है लुक्का छुप्पी में और ही इज अ वंडरफुल एक्टर हमारे साथ आज नहीं है सॉरी हमारे साथ आज यही है जोरदार तालियां फॉर अपार शक्ति खुराना कि जिस तरीके से ये दोस्ती आपको दिखेगी इस फिल्म में वो अलग तरीके की मतलब एक एक हर चीज में जिनके पास मैं जाता हूँ इस फिल्म में वो ये है एंड रिजवी साहब दूसरी बात ये है कि मैं दूसरी कास्ट भी मतलब यहाँ पे नहीं है कोई भी मनु ऋषि सर या मैम है मैम नवनीत मैम प्लीज़ स्टेज पे आप भी आइए एंड तो ये पूरी बहुत बड़ी एक कास्ट है जो आप जब फिल्म रिलीज़ होगी तब आप देखेंगे एंड देव ऑल डन अ वंडरफुल जॉब एंड वी आर थैंकफुल कि हम लोग सब साथ में एक साथ